अमेठी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग के पास पोल नहीं है। चौकी मत 11,000 की मेन लाइन की सप्लाई लकड़ी के खंभे से दी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद कर्मचारी पैसे की मांग कर रहे हैं। उपरोक्त लाइन से कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? जानकारी के अनुसार मामला अमेठी जनपद के विद्युत वितरण उपकेंद्र दाखिनवाला गांव का है, जहां पर लगभग एक माह पहले मेन लाइन का पोल टूट गया था। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लाइन चालू करने के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ का पोल बनाकर जुगाड़ से लाइन चला दी। तब से अब तक विद्युत विभाग पोल बदलने की जहमत नहीं उठा सका है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार की गई, गांव के लोगों ने चंदा नहीं दिया, इसीलिए लाइन बदली नहीं गई। कोई जानवर कभी भी पोल को गिरा सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि पावर हाउस से महज 300 मीटर की दूरी पर यह विद्युत पोल बिजली विभाग की नाकामियों को प्रदर्शित कर रहा है। किसी भी अधिकारी द्वारा मामले का संज्ञान नहीं लिया गया और तलब पहलू यह है कि खेती किसानी का समय है, लोग वहीं अपने जानवर के साथ खेतों में काम करते रहते हैं। ऐसी दशा में लकड़ी का खंभा टूट जाए तो कई लोग चपेट में आ सकते हैं। उसका जिम्मेदार कौन होगा? मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अरुण कुमार सहित विभाग के उच्च अधिकारियों से पोल बदलवा कर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधीक्षण अभियंता राम प्रसाद वर्मा ने पूरे मामले में बताया कि SDO जगदीश कौर को निर्देशित किया गया है, जल्द ही समस्या का निराकरण हो जाएगा। रिश्वत की बात को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। सर, दक्षिणवारा में 11,000 की लाइन लकड़ी के पोल पे लेके जाई जा रही है, क्या प्रतिक्रिया होगी? आप देखिए, आपने अभी प्रकरण संज्ञान में लाया, मैं आपके सामने ही संबंधित SDO जगदीशपुर को निर्देश दे दिया है, संभवतः जल्दी ही समस्या का निराकरण हो जाएगा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि जब वो लोग शिकायत करते हैं तो उनसे चंदा मांगा जाता है। नहीं, ये तो आरोप मान्य नहीं है। उनकी कोई शिकायत हो तो कंट्रोल रूम में रजिस्टर भी रखा, वहाँ कर सकते हैं, 1912 पर कर सकते हैं, और IGRS भी है, या सीधे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। तो आरोप लगाने तो किसी पर हम ये रोक नहीं लगा सकते, लेकिन समस्या का निदान कराना हमारी जिम्मेदारी है। यदि कंप्लेन आती है तो हम जरूर संधान होता है। तालाब पे क्या करते हैं आप? मछली जाए हैं। तो क्या दिक्कत है आपकी यहाँ? दिक्कत ये है कि खंभा को सुनवाई नहीं हो रही, जब जाए कहो कहते हैं घूस दीजिए, कहाँ पाए गरीब आदमी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? जिस लगे कि इसको चाकू कीन जाए, लकड़ी का खंभा का कहीं गिर जाएगा, भैंस गोरु मर जाए, नहीं हम भी मर जाएगा, आप जिम्मेदार बनोगे? तो विभाग वाले क्या कहते हैं? विभाग वाले कहते हैं चंद रुपया दीजिए तो बनेगा। तो कहाँ पाए गरीब आदमी रुपया? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि ये रेंट क्लियर हो जाए, खंभा रख जाए, चाहते ये हैं। क्या नाम है अभी दादा? बल्ला। क्या दिक्कत है आप सबकी? दाल की अंगड़ी पर लकड़ी का खंभा गड़ा है, गोरू भैंस ठेल दे, 11,000 लाइन। क्या खतरा है इससे? खतरा गोरू ठेल दिए, मनई मर जाए, गोरू मर जाए। तो आप लोग इसकी शिकायत किए कहीं पे? शिकायत तीन जगह है, शिकायत कहा कि चंदा लगाओ तो बने। पावर हाउस कहाँ है? पावर हाउस तो मुड़ोवे पर है भैया, बिल्ले सुन। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं।